बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर की कन्फॉर्मेशंस। तो आगे चलने से पहले हम एक सिंपलेस्ट मॉडल डिस्कस करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ऐसे पॉलीमर की चेन है जो जिसकी का कोई भी बॉन्ड एंगल हो सकता है और जो किसी भी बॉन्ड किसी भी एंगल ऑफ रोटेशन के इलांग रोटेट कर सकता है। आमतौर पर पॉलीमर के फिक्स्ड बॉन्ड एंगल होते हैं, बल्कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके फिक्स्ड बॉन्ड एंगल होते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। मॉलिक्यूल इस बॉन्ड एंगल से ज़्यादा एंगल भी नहीं ले सकता और इससे कम एंगल पे भी नहीं जा सकता। बॉन्ड एंगल की वैल्यू इससे कम भी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती। इससे कम बॉन्ड एंगल होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर बॉन्ड एंगल की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो भी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इस फिनोमिना को कहते हैं एंगल स्ट्रेन। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करें तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें बॉन्ड एंगल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विच मे हैव एनी बॉन्ड एंगल। ऐसी पॉलीमर चेन को कहते हैं फ्रीली जॉइंटेड चेन, या इसका दूसरा नाम है वॉल्यूम लेस चेन। ये एक अनरियलिस्टिक मॉडल है, एक आइडियल अप्रोच है, बिल्कुल ऐसे जैसे आइडियल गैस के बारे में हमने काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी में पढ़ा कि आइडियल गैस वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो, और आइडियल गैस में मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम कुछ नहीं होता, यानी मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम गैस के ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इस तरह हमने पढ़ा कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। ये ऐसी ही अप्रोच पॉलीमर्स के बारे में है कि फ्रीली जॉइंटेड चेन इज एक्चुअली आइडियल पॉलीमर चेन विच हैव नो वॉल्यूम। अब जाहिर है ये पॉसिबल तो नहीं है कि पॉलीमर चेन में का वॉल्यूम ही कोई ना हो, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करेंगे और फिर स्टेप वाइज हम रियलिटी के करीब जाएंगे। आइडियल से स्टार्ट करके हम स्टेप वाइज रियल अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो अ पॉलीमर चेन हैविंग नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रोटेशन इलांग एनी बॉन्ड इज कॉल्ड फ्रीली जॉइंटेड चेन। ऐसी पॉलीमर चेन जिसमें मॉलिक्यूल किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकता हो, उस चेन को कहते हैं फ्रीली जॉइंटेड चेन। इट कैन अटेन एनी बॉन्ड एंगल। फ्रीली जॉइंटेड चेन का बॉन्ड एंगल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी ज़रूरी नहीं, अगर आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल ज़रूर 109.5 डिग्री का होगा। बल्कि हम सपोज कर लेंगे कि मॉलिक्यूल कोई भी बॉन्ड एंगल अटेन कर सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन लेट मी से कि ये आइडियल अप्रोच है, अनरियलिस्टिक अप्रोच है, एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम आइडियल केस से स्टार्ट करेंगे और फिर स्टेप वाइज हम रियलिटी के करीब जाते जाएंगे। तो पहली बात हमने ये सपोज की कि फ्रीली जॉइंटेड चेन ऐसी पॉलीमर चेन होती है जिसमें रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रोटेशन इलांग एनी बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल कोई भी कन्फर्मेशन ले सकता है क्योंकि बॉन्ड एंगल की रोटेशन नहीं है और एंगल ऑफ रोटेशन की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बॉन्ड एंगल की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और एंगल ऑफ रोटेशन की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन मॉलिक्यूल में सिर्फ
सीज कन्फर्मेशन भी उतनी ही स्टेबल समझी जाएगी जितनी ट्रांस कन्फर्मेशन है। इसका मतलब है सीज कन्फर्मेशन, ट्रांस कन्फर्मेशन, गाउच कन्फर्मेशन, पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये सारी इक्वली स्टेबल हैं। और अगेन ये बात जहन में रखिएगा कि ये आइडियल अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। रियल अप्रोच में हमने देखा कि ट्रांस कन्फर्मेशन या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद गाउच कन्फर्मेशन स्टेबल है, और सीज कन्फर्मेशन या इक्लिप्स कन्फर्मेशन ये लीस्ट स्टेबल है। लेकिन फ्रीली जॉइंटेड चेन चूंकि एक आइडियल अप्रोच है, तो हम ये सपोज करेंगे कि मॉलिक्यूल की तमाम कन्फर्मेशन इक्वली स्टेबल हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल ट्रांस कन्फर्मेशन में हो या गाउच कन्फर्मेशन में हो या पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में हो या फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में हो। ऑल कन्फर्मेशन आर इक्वली स्टेबल। और ऑल कन्फर्मेशन को हम क्यों इक्वली स्टेबल सपोज कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये सपोज कर लिया है कि फ्रीली जॉइंटेड चेन कैन अटेन एनी बॉन्ड एंगल एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रोटेशन अलोंग एनी बॉन्ड। फ्रीली जॉइंटेड चेन कैन अटेन एनी बॉन्ड एंगल विदाउट फेसिंग स्टीरिक हिंड्रेंस और एंगल स्ट्रेन। फ्रीली जॉइंटेड चेन में ना स्टीरिक हिंड्रेंस होगी ना एंगल स्ट्रेन होगी। ये ऐसे ही है जैसे हम आज के दौर में किसी बंदे के बारे में कहें कि उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई बंदा उससे नाराज नहीं है, और दुनिया जहान के तमाम लोग उससे खुश हैं और दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ उसे मुयसर हैं, उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये हो नहीं सकता। ये एक इंतहाई आइडियल अप्रोच तो हो सकती है कि इंसान एट द सेम टाइम इंतहाई नेक भी हो, इंतहाई खुश भी हो, इंतहाई दौलतमंद भी हो, इंतहाई खुशकिस्मत भी हो। ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ये इंतहाई आइडियल अप्रोच हो सकती है। इसी तरह किसी पॉलीमर चेन के लिए ये एक्सट्रीमली आइडियल अप्रोच है कि वो किसी भी के उसके बॉन्ड एंगल की कोई भी वैल्यू हो जाए, उसे कोई मसला ना हो, ना उसे स्टेरिक हिंड्रेंस हो, ना उसे एंगल स्ट्रेन का सामना करना पड़े, और वो किसी भी बॉन्ड एंगल के अराउंड, किसी भी एंगल ऑफ रोटेशन के इलांग रोटेट कर जाए, किसी भी एंगल पर रोटेट कर जाए तो भी उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी तमाम कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी एक जैसी हो। जाहिर है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्रीली जॉइंटेड चेन इज अनरियलिस्टिक अप्रोच बिकॉज नो पॉलीमर हैज फ्रीली जॉइंटेड चेन। कोई भी पॉलीमर फ्रीली जॉइंटेड चेन में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए फ्रीली जॉइंटेड चेन एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। तो फिर हम इस अनरियलिस्टिक अप्रोच पर आते क्यों हैं? हमने इस अनरियलिस्टिक अप्रोच को क्यों अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है? क्यों? बिकॉज हम अपनी डिस्कशन को आसान से शुरू करना चाहते हैं और आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। और अंडरस्टैंडिंग का ये बड़ा बहुत अच्छा रूल है कि सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ और इजी अप्रोच से डिफ़िकल्ट अप्रोच की तरफ जाया जाए। इसलिए हम गैसेस की स्टडी को आइडियल गैस से स्टार्ट करते हैं और फिर रियल गैसेस की तरफ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आइडियल गैसेस, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं। सिमिलरली हमने पॉलीमर की डिस्कशन को फ्रीली जॉइंटेड चेन से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे। अब फ्रीली जॉइंटेड चेन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्रीली जॉइंटेड चेन में मॉलिक्यूल का कोई भी बॉन्ड एंगल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है तो उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो। इन फ्रीली जॉइंटेड चेन बॉन्ड एंगल इज नॉट फिक्स्ड। इट मीन बॉन्ड एंगल मे हैव एनी वैल्यू, और बॉन्ड एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीली जॉइंटेड चेन में थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। थीटा मे हैव एनी वैल्यू, दिस वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इट मीन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल इन फ्रीली जॉइंटेड चेन। दूसरी बात कि फ्रीली जॉइंटेड चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकता है। बॉन्ड एंगल
कार्बन कार्बन बॉन्ड मे रोटेट इलांग एनी बॉन्ड, इट मीन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। तो फ्रीली जॉइंटेड चेन में ना बॉन्ड एंगल की रिस्ट्रिक्शन है, ना एंगल ऑफ रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन है, यानी ना थीटा की रिस्ट्रिक्शन है ना फाई की रिस्ट्रिक्शन है। तो फ्रीली जॉइंटेड चेन में थीटा की वैल्यू भी कोई सी हो सकती है, थीटा मे हैव एनी वैल्यू। ऐसा नहीं है कि वो 109.5 डिग्री पे है तो स्टेबल है, और इससे कम या ज़्यादा हो तो फिर स्टेबिलिटी नहीं होगी। फ्रीली जॉइंटेड चेन को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली उसके बॉन्ड किसी भी एंगल पर रोटेट कर जाएं, ना उसे स्टीरिक उसे किसी स्टीरिक हिंड्रेंस का, किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। अब चूंकि फ्रीली जॉइंटेड चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकता है, इसका मतलब ये है कि फ्रीली जॉइंटेड चेन किसी भी कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकता है। इट मे अडॉप्ट एनी कन्फर्मेशन बिकॉज ऑल कन्फर्मेशंस ऑफ फ्रीली जॉइंटेड चेन आर इक्वली स्टेबल, चाहे सिज कन्फर्मेशन हो या पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो या गाउच कन्फर्मेशन हो या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो, इन फ्रीली जॉइंटेड चेन आर कन्फर्मेशंस आर इक्वली स्टेबल, तमाम की स्टेबिलिटी बराबर। अगली बात इससे भी ज़्यादा अजीब और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन, फ्रीली जॉइंटेड चेन हैज़ नो वॉल्यूम। ये ऐसी है जैसे हमने आइडियल गैस के बारे में कहा था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम नेगलिजिबल होता है, लेकिन जाहिर है ये लॉजिकल अप्रोच नहीं है। कोई चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसका अगर वो मैटर है तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम ज़रूर होगा। सिमिलरली गैस के मॉलिक्यूल तो चले फिर भी बहुत छोटे थे, पॉलीमर का मॉलिक्यूल तो अच्छा खासा है, ये तो लॉन्गर और लार्जर मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। तो ये इंतहाई इलॉजिकल और इरेशनल अप्रोच है कि हम कह सपोज कर लेते हैं कि फ्रीली जॉइंटेड चेन हैज़ नो वॉल्यूम, लेकिन ये चूंकि अनरियलिस्टिक इलॉजिकल इरेशनल अप्रोच है, इसलिए आगे चल के हम वन बाय वन इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव इम्पोज करते जाएंगे। फ़िलहाल हमने तमाम रिस्ट्रिक्शन हटा दी हैं, तमाम रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं, फ्रीली जॉइंटेड चेन को बॉन्ड एंगल से भी आज़ाद कर दिया, एंगल ऑफ रोटेशन से भी आज़ाद कर दिया, और मज़ीद एक स्टेप लेते हुए वॉल्यूम से भी आज़ाद कर दिया। लेकिन जब हम रियलिटी की तरफ आएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कंडीशन हम इस पर अप्लाई करते जाएंगे। चूँकि फ्रीली जॉइंटेड चेन के बारे में हमने सपोज कर लिया है कि इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है कि पॉलीमर के एक दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स एक ही स्पेस में आ सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर का अपना वॉल्यूम तो हमने कहा है ही कोई नहीं। इट मीन टू आर मोर पॉलीमर सेगमेंट्स कैन ऑक्यूपाई सेम स्पेस बिकॉज पॉलीमर चेन हैज़ नो वॉल्यूम, देयरफॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉलीमर कैन ऑक्यूपाई सेम स्पेस। अब जाहिर है ये भी पॉसिबल नहीं है कि जहाँ एक सेगमेंट हो दूसरा सेगमेंट भी एग्जैक्टली उसी की जगह पर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने चूंकि सपोज किया है कि पॉलीमर का वॉल्यूम अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स साइमल्टेनियसली सेम स्पेस में आ सकते हैं, दे कैन ऑक्यूपाई सेम स्पेस एट द सेम टाइम। तो दिस इज वॉल्यूम लेस चेन और फ्रीली जॉइंटेड चेन। थैंक यू वेरी मच।